अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा आज का दिन 24 अप्रैल का दिन। 24 अप्रैल का दिन है और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और इस चीज़ को बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल भी आने हैं शर्फ़ शम्स के एतबार से कि शर्फ़ शम्स के डेज़ में जो है वो कमर दर अक्रम होने जा रहा है। इस कन्फ्यूजन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आज का जो दिन है इसको हम लोग इस्लामी तौर के ऊपर देखेंगे। ये जो इस्लामी डेट बनती है आज के दिन, ये शहादत है मेरे छठे इमाम की, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, और इसके साथ साथ शहादत है ग़ज़वा अहद के शहदा की, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक का था, हज़रत हमज़ा का। तो इस एतबार से आज का जो दिन होगा जहाँ पे इस्लामी तौर के बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहीं पे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को सुन के कि कमर दर अक्रब की डेट्स आ रही हैं तो शर्फ शम्स हो रहा है, शर्फ शम्स फ़ायदा देगा या नहीं देगा, या क्या प्लानिटरी पोजिशंस होंगी। तो इसको देखा जाए तो शर्फ शम्स जो है ये वैदिक स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग नहीं है। वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली जो शर्फ हुआ था वो इसी महीने के इनिशियल डेज़ में था, और इनिशियल डेज़ में जिस दिन वो शर्फ हो रहा था तब ग्रहण का टाइम था। तो जिन लोगों ने तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अलवा बनाई शर्फ शम्स की, और मैं देख रहा था बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के एड चल रहे थे अलवा के, वज़ाइफ के, दुआओं के, ग्रहण के टाइम में आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन तो जो आप लोग मुझे कर रहे हैं कि कमर दक्रब आ रहा है और शर्फ़ शम्स फ़ायदा देगा या नहीं, ये बेसिकली आपको उनसे करना चाहिए था कि ग्रहण के टाइम में वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो है शर्फ़ शम्स किस तरह फ़ायदा देगा। तो इसी तबार से हम वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं कि ये जो शर्फ़ शम्स है ये टाइमिंग्स हैं वैदिक सिस्टम के मुताबिक। जैसे कि अभी एक दिन पहले, दो दिन पहले जो है शर्फ़ ज़ोहरा गुज़रा, वो भी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली था। और अभी जो कमर दर अक्रब आ रहा है, कमर दर अक्रब जो कि वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब हम बात कर रहे हो और हम वैदिक को फॉलो कर रहे हैं और वैदिक के अकॉर्डिंगली जब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को आपस में मिक्स नहीं करते, मिक्स करके चीज़ों को नहीं चलते कि जब दिल किया वहाँ से चीज़ उठाई, जब दिल किया वहाँ से चीज़ उठाई, जब जहाँ से अपने मतलब की चीज़ मिल गई उसको उठा लिया, ऐसा नहीं होता। जब एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप एक चीज़ को ऑथेंटिक समझते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ उसके ऊपर है और आप उसी पे बात करते हैं, तो फिर आप उसी पर रहते हैं। क्योंकि इसमें होता ये है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को बोल रहे होते हैं, योग की बात करते हैं, मुख्तलिफ योग, अंगारा योग जैसे कभी लग रहा है, अंगारा योग, मंगल योग, काल सर्प योग और धन योग, इसके अलावा साढ़ सती को बीच में ले आते हैं, साढ़ सती के असरात हैं, और जब उनका चार्ट देखें कि वो किस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, आपका जायचा किस चीज़ से बना के दे रहे हैं, तो वो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स में तो ना ही योग है और ना ही कोई साढ़ सती का कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ख़ुद से ज़हनी तौर के ऊपर क्लैरिफाई नहीं होते कि उन्हें असल में बेसिकली फॉलो क्या करना है। जो चीज़ वो ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको उन चीज़ों को फॉलो करना है, वो चीज़ लोगों को गाइड करनी है, या उन्होंने वो चीज़ फॉलो करनी है जो कि ऑथेंटिक है और जिसके ऊपर वो लोगों को गाइडलाइंस दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके चल रहे होते हैं, और एक तरह की कोई फ्रूट चाट किस्म की चीज़ जो है वो फिर लोगों को सुनने को मिलती है और लोग इसी वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, जो कि आज के दिन के इम्पॉर्टेंट के एतबार से, जो कल का दिन भी था क्योंकि शर्फ जो है वो कल के दिन शुरू हो चुका है। तो इस एतबार से आप लोग कतई तौर पर फिक्र नहीं करें, आप लोग शर्फ शम्स के जो वज़ाइफ हैं, अमलियात हैं, दुआएं हैं जो आप कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप लोग कीजिए। क्योंकि अभी जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो ऑब्वियसली ये वीडियो आप लोगों को 23 की रात को देखने को मिलेगी, तो टाइम चल रहा है शर्फ शम्स के, इस टाइम से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें कमर दर अक्रब का जो टाइम शुरू होगा वो अभी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के ख़त्म होने के बाद होगा, तो इस एतबार से तो कोई पोजीशन जो है वो कमज़ोर या वीक नहीं है। सेकेंडली, अब हम आ जाते हैं दिन के ऊपर कि आज का दिन जो है आप लोगों का कैसा रहेगा।
इसी के अतबार से देखा जाए तो ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें पहला जोड़क था एरीज बुर्ज हमल कि आप लोगों के असेंडेंट में राइजिंग साइन में आप लोगों के हो रहा है एग्जॉल्ट सन का, अपने स्पेसिफिक डिग्री से वो गुजर रहा है आज के दिन, तो आपके अंदर दूरंदेशी कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जॉटिक सन टॉरस बुर्ज सौर आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो आप लोगों का तख्लीकी मरहला जो है सोचने का वो बड़े अच्छे अंदाज में पनपता हुआ नज़र आता है, चीज़ें प्रॉस्पर होती हुई नज़र आएंगी। एग्जॉटिक साइन जेमिनी बुर्ज जौसा, जेमिनी आप लोगों का जो आज का दिन है आज के इनके दबाड़ से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा खूबसूरत दिन इस अतबार से है कि आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। जब डायरेक्ट पोजीशन पे होगा तो आप लोग आज के दिन से इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ वापस आ जाएंगे, वसत नज़री आना शुरू होगी। एग्जॉटिक साइन कैंसर बुर्ज सरदान, आप लोग आज के दिन देखें तो आपका आज का दिन हर तरह के फैसलों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला है, लेकिन आप लोगों के फैमिली मैटर्स बहुत अच्छे खूबसूरत होंगे, मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बेहतर रहेंगी। एग्जॉटिक साइन लियो बुर्ज असद, लिए आप लोगों का आज के दिन देखा जाए तो आपके आज के दिन के अतबार से आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ऐसे मामलात ऐसे रवाबत जो कि आप लोग कहीं ना कहीं पे अपनी सोच से लेकर चलना चाहते हैं, आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल से लेकर चलना चाहते हैं, उनमें बढ़ावा है, फ़ायदा है। और स्पेशली ऐसे लोग जो कि एब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखे हैं, तलीम से जुड़े रुझान में बेहतरी लेके आना चाहते हैं, आपको भी फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। एग्जॉटिक साइन वर्गो बुर्ज समा, वेगन्स आप लोगों का आज का दिन देखा जाए तो आप लोगों को अपने नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, सोचने समझने का अंदाज़ बेहतर है, लेकिन आप लोगों को फिर भी अपने फैसलों को एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर लाजम कर लेना चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा चीज़ ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी में मुलाजमत से जुड़ी हुई चीज़ों में खूबसूरती आएगी। एग्जॉटिक साइन लिब्रा बुर्ज मिज़ान, लिब्रंस आप लोगों का आज का दिन देखा जाए तो आप लोगों के आज के दिन इजहार मोहब्बत और इजहार मोहब्बत के अलावा आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग दूसरों के साथ मिलके करना चाह रहे थे, उनमें इंशाल्लाह आप लोगों को फेवर फायदा इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आएगा। एग्जॉटिक साइन स्कॉर्पियन बुर्ज अक्रम, स्कॉर्पियंस आप लोगों का जो आज का दिन है आज के दोबारा से देखें तो आपकी ज़िंदगी में आप लोग दूरंदेश हैं, कॉन्फिडेंट हैं और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की काबिलियत रखे हुए नज़र आते हैं। एग्जॉटिक साइन सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, सेजिटेरियस आप लोगों को आज का दिन देखा जाए तो आज के दिन आपकी ज़िंदगी में आज के दिन से आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे और इसके साथ आपकी ऐसी ख्वाहिश जो कि काफ़ी अर्सा से आप लोग लेके चल रहे थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इंशाल्लाह तकमील के करीब होगी। एग्जॉटिक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्ज ज्योति, कैप्रिकॉर्न आप लोगों का जो आज का दिन है आज के इनके दबाव से आपकी ज़िंदगी में हिम्मत हौसला कॉन्फिडेंस में बढ़ावे के अलावा आप लोगों के फैमिली मैटर्स जितने भी हैं उनमें आपकी इज्जत बढ़ना शुरू होगी। एग्जॉटिक साइन एक्वेरियस बुर्ज दलो,
एक्यूरेंस आप लोगों के आज के दिन के दबाट से गैबी तौर पर माली मदद का मिल जाना और ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग मार्केटिंग सेल्स में कर रहे हैं दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं उसमें कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। लास्ट ऑर्डर्स एंड पाइसेस बुर्ज होते चीज़ आप लोगों के आज के दिन को देखा जाए तो आज के दिन आपकी ज़िंदगी में सोचने समझने का दिन है और चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तौर के ऊपर मैनेज करने का दिन है। नो डाउट आप लोग आउटस्पोकन होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी चीज़ों को एक दफ़ा एनालाइज खुद से ज़रूर करें। आज के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त, अपने ख्याल रखें, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप सब में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।